अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जावा के अंदर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जावा में देखा था व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इसके अंदर आपको जावा स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर आप जावा सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक मर्तबा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लूप का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हमने व्हाइल लूप देखा था उसकी एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा टाइम प्रिंट करवाना हो या फॉर एग्जांपल हमें कोई टास्क दे दे, क्या आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो वेलकम टू माई अकेडमी। अब मुझे कोई टास्क दे के आपने यहाँ पर वेलकम टू माई अकेडमी डिस्प्ले करवाना है 5 टाइम, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम टू माई अकेडमी 5 टाइम। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको 5 टाइम प्रिंट करवा लूंगा। अगर कोई मुझे कहे कि आपने 5000 टाइम इसे प्रिंट करवाना है तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसके लिए क्या मैं 5000 टाइम इसे कॉपी पेस्ट करूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैं यहां पर सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा लूप्स का कॉन्सेप्ट। लूप हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है व्हाइल लूप, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सेकेंड होता है फॉर लूप और थर्ड होता है डू व्हाइल लूप। फॉर लूप आज की वीडियो में देख लेंगे, डू व्हाइल लूप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमने देख लिया था कि व्हाइल लूप के अंदर क्या होता था कि सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होता था और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते थे और उसके बाद हम यहां पर उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंडीशन लगाते थे और हमारा लूप उस कंडीशन के बेस के ऊपर चलता था। तो आपने यहां पर देखा था कि हमारे पास यहां पर हम व्हाइल लूप के अंदर क्या करते थे कि एक न्यू लाइन के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल लेते थे, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते थे, फिर हम उसके अंदर व्हाइल टाइप करके कंडीशन लगाते थे न्यू लाइन के अंदर। ठीक हो गया। और उसी तरीके से हम यहां पर न्यू लाइन के अंदर एक का इंक्रीमेंट या कोई भी इंक्रीमेंट करना होता था हम वो करते थे। तो आपने यहां पर देखा कि हमने यहां पर 3 लाइन्स ऑफ कोड यूज किया। अब हमारे पास यहां पर फॉर लूप का हमें एडवांटेज क्या है, फॉर लूप का एडवांटेज यह है कि हम यहां पर 3 लाइन्स ऑफ कोड एक ही लाइन के अंदर कर लेंगे। किस तरीके से, मैं आपको यहां पर इसे समझा देता हूं। उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले इसे कर देता हूं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद मैं यहां पर सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर टाइप करूंगा 4 टाइप करने के बाद मैंने जिस तरीके से व्हाइल लूप के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल लिया था, मैं यहां पर भी एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूं आई के नेम से और इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया, सॉरी मैं यहां पर इसके अंदर 1 वैल्यू स्टोर कर देता हूं। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं यहां पर यूज करूंगा कोलन का। कोलन का यूज करने के बाद मैं यहां पर सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर इसी के अंदर कंडीशन दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरा यहां पर फॉर लूप चले 10 टाइम, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल टाइप करूंगा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 के। और इसके बाद मैंने यहां पर व्हाइल लूप के अंदर देखा था कि मुझे एक का इंक्रीमेंट करना पड़ा था, मैं यहां पर एक का इंक्रीमेंट भी न्यू लाइन के अंदर कर रहा था, लेकिन यहां पर मुझे फॉर लूप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहां पर फॉर लूप वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही एक का इंक्रीमेंट कर ले। तो इसी वजह से मैंने यहां पर कोलन का यूज करके सिंपल एक का इंक्रीमेंट कर दिया। तो मैंने यहां पर सिंपल टाइप किया है i++। ठीक हो गया। अब मैं यहां पर सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर कोई भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूं। तो मैं यहां पर कह देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहां पर सिंपल प्रिंट एलन के स्टेटमेंट ही यूज कर लेता हूं। और इसके बाद मैं यहां पर सिंपल आई को प्रिंट ना करवा के मैं यहां पर सिंपल प्रिंट करवा देता हूं हेलो वर्ल्ड। मैं यहां पर सिंपल प्रिंट करूंगा हेलो वर्ल्ड और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरी इस स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगर इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ, मेरे पास यहाँ पर 10 टाइम हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसे चाहूँ 5000 टाइम, 10000 टाइम, 20000 टाइम, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसकी कंडीशन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन में सिंपल यहाँ पर जो आई लेस देन इक्वल्स टू है वो मैं कर देता हूँ 10000 5000 20000, मैं यहाँ पर सिंपल वो टाइप कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये मेरा लूप चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आई के अंदर स्टोर कर देता हूँ 12। अब मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पर कंडीशन में क्या कहा है कि आई लेस देन इक्वल्स टू है 10 के। इसका मतलब है मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर कंडीशन होगी फॉल्स। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले इसे रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रन किया तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस जो हमारे पास फॉर लूप की बॉडी है उसकी स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये सीन है फॉर लूप का, वाइल लूप का, जो भी हमारे पास लूप होते हैं उनका, कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाओगे, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं आपको वापस इसे समझाता चलूँ कि ये किस तरीके से इटरेशन हो रही है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर int i equals to 1 है, हमें मालूम है, जी हाँ 1 है। कंडीशन में चेक करेगा कि क्या 1 less than equals to है 10 के, जी हाँ 1 less than equals to है 10 के, तो ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर ये i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करेगा 10 टाइम। उसके बाद यहाँ पर जब ये इंक्रीमेंट 10 टाइम करेगा तो हमारे पास i में क्या स्टोर हो जाएगा, 11। 11 जब स्टोर होगा तो ये चेक करेगा कि क्या 11 less than equals to है 10 के, नहीं। हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर इस केस में ये लूप नहीं चलेगा। ये जब लूप नहीं चलेगा तो हमारे पास ये लूप की बॉडी की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर आपको सिंपल, सबसे पहले तो इसे करता हूँ कॉपी और नीचे इसे कर देता हूँ पेस्ट और मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड। इससे आपको समझने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 टाइम हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हो रहा है, या जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल आई को ही डिस्प्ले करवा लेता हूँ। आई को डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि आई जो बेसिकली होगा वो हमारे लूप की रनिंग टाइम होगा, कि कोड कितनी टाइम चला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लूप यहाँ पर चला है 10 टाइम। आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक चला है। जब ये 11 के लिए चलने की करेगा तो हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन इसे रोक देगी। इसकी कंडीशन रोकेगी तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है वो इसे रोक देगी। कंडीशन रोकने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अपनी इस नॉलेज को या इस जो लूप है उसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए अब हम यहाँ पर इसके अंदर 2 का टेबल एग्जीक्यूट कराते हैं। किस तरीके से, हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्यों ना अब हम यहाँ पर इसके अंदर टेबल प्रिंट करवा दें। अब हम यहाँ पर कह देते हैं आई मल्टीप्लाई बाय 2। इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 2 का कंप्लीट टेबल। 2 से स्टार्ट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा एक और मज़े की बात क्या है, मैं यहाँ पर इसके अंदर इवन नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई प्लस प्लस, मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस करूँगा तो 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा। आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। सबसे जब जैसे ही हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर प्रिंट हो रहा है। ओड नंबर प्रिंट होने की रीज़न क्या है, हम यहाँ पर आई को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। जब हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इस केस में ओड नंबर में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 1 सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर ओड नंबर में इंक्रीमेंट हुआ 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्रिंट होगा। इस तरीके से हमें समझ आया कि हमें यहाँ पर ओड नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर मेरा माइंड ये था कि मैं इवन नंबर प्रिंट करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू के अंदर जब 1 स्टोर किया तो मेरे पास यहाँ पर ओड नंबर में वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इसी बहाने हमने यहाँ पर सीख लिया कि किस तरीके से हम लूप की मदद से ओड नंबर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन होगा हमारे पास सिर्फ 10, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसे रन करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे रन किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर्स तमाम प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर 10 वाला नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर अगर कहें आई लेस देन हो 11 के तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आई थिंक हमारे पास इस केस के अंदर 10 भी प्रिंट होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि जी हाँ हमारे पास यहाँ पर 10 भी प्रिंट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसकी प्रैक्टिस करवाने का पर्पज़ ये था कि आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।